सो हेलो जी, व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू द व्लॉग राइट फ्रॉम प्रयागराज द संगम सिटी। फिलहाल बजने जा रहा है 12:30 एंड 2:30 बजे है यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स की 92nd एनिवर्सरी पे होने वाला एयर शो। इसको देखने के लिए भाई साहब देख ही सकते हो कितनी ज्यादा भीड़ जा रही है भाई। लिटरली अभी जो है 2 घंटे से भी ज्यादा का समय है और ये भीड़, इतनी ज्यादा भीड़ वहाँ पे, ऑलरेडी सीट फुल हो गई होंगी। फिलहाल वहाँ चल के देखते हैं क्या सीन है यार। सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। फाइनली भैया 4 किलोमीटर चलने के बाद पहुंच गए उस जगह पे जहाँ पे होगा एयर शो। ये है प्रयागराज वाला किला और आगे इसके जस्ट संगम है, तो यहीं पे पूरा अरेंज कराया गया है। यहीं पे एयरफोर्स की 92nd एनिवर्सरी आज मनाई जाएगी एंड ये शो ना एशिया का सबसे बड़ा शो है। तभी भाई साहब देख भी सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है। अभी 1.5 घंटा है शो शुरू होने में, ऑलरेडी बहुत सारे लोग आ चुके हैं एंड भाई अभी आने वाले तो बहुत लोग बचे हुए हैं। समझ लो अब ना लोग यहाँ के लोकल वाले निकलना शुरू हुए हैं, बट हम लोग पहले पहुँच गए यार। अब मैं वहाँ पे 2 घंटे पहले ही पहुँच जाता हूँ तो किनारा ढूंढ के आराम से अपने सर पे अंगोछा डाल लेता हूँ, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा धूप हो रही थी वहाँ पे एंड वहाँ पे जितने लोग भी थे वो लोग भी बड़ा ही धूप से परेशान थे। कोई अपने साथ छाता लाया हुआ था तो कोई अंगोछा डाल के ऐसे ही जगह जगह बैठा हुआ था, पर वहाँ पे उस समय इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि अंगोछा और छाता भी किसी काम के नहीं रहे। भाई मेरी तो बिल्कुल हालत ही ख़राब होने लगी थी वहाँ धूप में बैठे बैठे, बिल्कुल पसीने से भीग गया था। भैया जी 2:30 बज चुका है, फाइनली अनाउंसमेंट भी हो चुकी है, बस शो जो है शुरू होने वाला है कुछ ही देर में। सारी जितने भी एयरक्राफ्ट्स निकलेंगे सब इधर से निकलेंगे, पीछे जो है अकबर वाला किला है। और इस किले पे भी आप देख सकते हैं काफी ज्यादा अरेंजमेंट करा रखी है, बिकॉज यहाँ से सारे VVIP पर्सन शो को देखेंगे। चलो भैया शो शुरू होता है भाई। अभी फाइनली दो सामने चिनूक हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, बहुत ही छोटे छोटे दिख रहे हैं, जब सामने आएंगे तब पता चलेगा। एक्चुअली विजिबिलिटी थोड़ी सी क्लियर नहीं है, जब ये आगे बढ़ेंगे तभी दिखाई देंगे। सात पैराशूट में, देखो एक ये भारत का झंडा, जूम करके दिखाता हूँ, एक देखो भाई ये है, एक ये है, 2-3 ऊपर है, एक इधर ये है।
ये था एक छोटा सा वीडियो इंडियन एयरफोर्स की 92nd एनिवर्सरी का, जो कि मैंने प्रयागराज में आके अटेंड किया। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। शो तो इसके बाद थोड़ी देर और चला था, लेकिन मैं यहाँ से निकल जाता हूँ बिकॉज मैं आपको बताना चाहूंगा, इस शो को देखने के लिए 8 लाख से भी ज्यादा लोग आए थे। तो आप लोग सोच ही सकते हैं कि कितनी ज्यादा भीड़ थी। मेरी कुछ लोगों से बात हुई यहाँ के जो लोकल लोग हैं, तो वो बता रहे हैं कि सच बताएं तो इतनी भीड़ कुंभ के मेले में भी नहीं होती है जितनी भीड़ इस समय थी। और ऐसा सच में था, लोग दूर दूर से आए थे सिर्फ शो देखने के लिए। कोई बैंगलोर से आया था, कोई दिल्ली से आया था, कोई चेन्नई से आया था, और शो देख देख के बस अपने घर रवाना हो रहा था। और इसी वजह से मैं 10-20 मिनट पहले ही निकल जाता हूँ कि आराम से निकल जाऊँ, कोई भगदड़ ना मचे। लेकिन भाई साहब कितनी ज्यादा भीड़ थी, बड़ी ही दिक्कत हुई। लेकिन जैसे जैसे करके फाइनली हम अपने रूम पे पहुंच चुके हैं। बाकी आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने दिन हो गए, ना ही कोई मिनी व्लॉग आ रहा है, ना ही कोई वीडियो आ रहा है। तो मैं बताना चाहूंगा, मैं अपनी एक बहुत ही एडवेंचर से भरी हुई ट्रिप पे हूँ, जिसका नाम है 30 Days in UP, जिसमें निकले हुए मेरे को अभी 10 दिन तक हो चुके हैं। एंड आप लोगों के लिए इस ट्रिप के वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। अगले 3 से 4 दिन में आप लोगों के लिए ये सीरीज शुरू हो जाएगी। तो हाँ, इस सीरीज को बहुत ही ज्यादा प्यार दीजिएगा। बाकी मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं डेली अपडेट्स दे रहा हूँ कि मैं कहाँ पर हूँ, क्या रुक रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। इसीलिए इंस्टाग्राम पे तो फॉलो करके करके रखो। तो फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।